ओम नमो भगवते ओम वासुदेवाय, नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्विमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणगुणातान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहग ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो अभी हम आज हमारा दूसरा सत्र है जिसमें हम वाल्मीकि रामायण के ऊपर चर्चा करेंगे। तो कल के सत्र में हमने देखा कि अलग अलग शिक्षाओं का हमने चर्चा किया, किस तरह से जो दशरथ महाराज का जीवन है, किस तरह से जीवन व्यतीत किया जाता है और किस तरह से अंत में अपना शरीर त्यागा जाता है, हालांकि उनका दिव्य शरीर है और वो अपने पापों का स्मरण कर रहे हैं, भगवान राम के साथ उनका क्या संबंध है उसका स्मरण कर रहे हैं, उनकी जो सुंदरता है उनके जो दिव्य शरीर की सुंदरता है उसका स्मरण कर रहे हैं, भगवान के अलग अलग नामों का उच्चारण कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो लोग बहुत भाग्यशाली होंगे जो 14 वर्ष के पश्चात भगवान राम को आते हुए देखेंगे। तो ये विचार करते हुए अपने वो प्राण त्याग देते हैं। उसके पश्चात वशिष्ठ मुनि उस दिव्य शरीर को तेल में प्रिजर्व करके रखते हैं, संरक्षित करके रखते हैं और एक दूत के द्वारा संदेशा भेजते हैं कि जो भरत हैं और शत्रुघ्न को उनको वापस लाया जाए। तो इससे हमने देखा कि हम बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में हो सकते हैं, बहुत जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, हो सकता है और अचानक से कुछ दुर्घटना हो जाती है ना, अचानक से कुछ ऐसी विपत्ति आ जाती है। तो उस विपत्ति में, उस समस्या में किस तरह से उसको सुलझाया जाए, किस तरह से चीज़ों को ठीक किया जाए, ना कि पूरा शॉक में चले जाए या पूरा टूट जाए या पूरा कोलैप्स हो जाए। तो फिर वहाँ भरत गिरिवृक्ष वहाँ पहुँचते हैं और जिस दिन दूत वहाँ पहुँचता है उसी रात्रि में एक दिन पहले भरत जी को एक स्वप्न आता है और स्वप्न में वो देखते हैं कि एक रथ है जो गधों के द्वारा खींचा जा रहा है और एक व्यक्ति को है ना किसी पात्र में डुबाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो एक मृत्यु का सूचक है, किसी न किसी की मृत्यु होने वाली है। तो मैसेंजर जो है सात से आठ दिन लगते हैं उसको गिरिवृक्ष पहुँचने में और भरत जी फिर यहाँ पर वापस आते हैं, कम से कम सात दिन उनको यहाँ पर लग जाते हैं। तो जब वो पहुँचते हैं तो कौशल राज की सीमा पर वो फिर बोल देते हैं कि आप उपहार लेके आइए, मैं अभी हम दोनों जाते हैं। और जैसे ही वो अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो वहाँ की जो स्थिति है, पूरी उजाड़, पूरी अनाथ है ना, विधवा है ना, पूरा निराशाजनक, कोई अपने कार्य नहीं कर रहा है, सारे पशु पक्षी पेड़ सब कुछ, सब लोग निराश हैं, सब लोग दुखी हैं। जब ऐसी स्थिति को देखते हैं तो सबसे पहले अपने पिता के कक्ष में जाते हैं और पिता के कक्ष में जाने के पश्चात उनको वहाँ पर पिता उनको नहीं मिलते। उसके बाद अपनी माता के कक्ष में जाते हैं, माता से पूछते हैं कि क्या हुआ है। तो कैकेयी माता बहुत, उनको लगता है कि मैंने बहुत अच्छा कार्य किया है, मैंने अपने पुत्र को, पुत्र के हित में हो ये सोच के मैंने काम किया। तो हर व्यक्ति अपने आप को निर्दोष दिखाना चाहता है, हर व्यक्ति अपने आप को मासूम प्रस्तुत करना चाहता है और वो ये सोचता है कि मैंने तो सामने वाले के अच्छे के लिए किया है ना, मैंने तो कुछ बुरा सोचा ही नहीं था, अच्छे के लिए सोच। लेकिन जो हमारा अच्छा देखने का दृष्टिकोण होता है बहुत संकीर्ण होता है, हमारा जो अच्छा देखने का दृष्टिकोण है बहुत कम होता है, हमें लगता है हम तो उसके अच्छे के लिए सोच रहे हैं और बुरा मान रहा है।
तो जब उन्होंने सो कॉल्ड जो है अच्छे के लिए सोचा कैकेयी ने, तो भरत जी बहुत कुपित हो गए, बहुत गुस्से में आ गए। पहले तो सौग में गए कुछ समय के लिए, और बाद में उन्होंने कई अलग अलग तरह से उनको समझाया, है ना। एक कामधेनु गाय का उदाहरण दिया, है ना। फिर बैल का उदाहरण दिया कि एक बैल का भार बछड़ा कैसे खींच सकता है। फिर उन्होंने जो एक फेमस श्लोक है, मातृ रूपे मम अमित्रे, कि तुम माता नहीं हो, मेरी शत्रु हो। तो उन्होंने उस तरह से बताया कि किस तरह से अगर हमें कोई कृष्ण भक्ति से भगवान राम से दूर ले जाता है तो वो हमारा शत्रु के समान है, लेकिन अगर कोई हमारा बहुत दूर का है जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है लेकिन वो हमें राम भक्ति कृष्ण भक्ति के नज़दीक ले जाते हैं तो वो हमारे सबसे बड़े संबंधी हैं। और जब कैकेयी, माता कैकेयी ने उनको पहली बार ऐसा बोला कि राज्य आपका है, तो उस समय जो भरत जी हैं उनका चरित्र इंटीग्रिटी, है ना, कि रखा रखाया सब मिल गया, कुछ करने नहीं पड़ा, सब पका पकाया सब मिल गया, उनकी कोई गलती नहीं थी, तो वो चाहते तो राज्य को ले लेते, लेकिन उनका चरित्र, है ना, क्योंकि उनके जीवन का जो दिशा निर्देशन करने वाला सिद्धांत है, जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, वो क्या है, भगवान राम की प्रसन्नता, है ना, भगवान राम से प्रेम। तो भगवान राम से प्रेम जो फोकस है तो आसपास की चीज़ें अपने आप ही हट जाती हैं, है ना। तो राज्य का उनको प्रलोभन दिया गया, है ना, हर व्यक्ति पोस्ट चाहता है, कोई ना कोई पोस्ट चाहता है ना, पॉलिटिकल लोग मंत्री बनना चाहते हैं, कोई सीएम बनना चाहता है, कोई एग्जीक्यूटिव हेड बनना चाहता है ना, कोई एचओडी बनना चाहता है, हर कोई हेड बनना चाहता है। तो यहाँ पर तो भरत महाराज को हेड क्या, चक्रवर्ती सम्राट बनाया जा रहा है, जिसमें उनका कोई हाथ भी नहीं है, उन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन, है ना, उन्होंने देखा कि ये गलत हो रहा है। तो चरित्रवान, है ना, प्रलोभन होते हुए भी उन प्रलोभनों से प्रभावित ना होना, सुविधाओं के होते हुए भी सुविधाओं को एंजॉय नहीं करना, फैसिलिटीज़ होते हुए भी उन फैसिलिटीज़ को खुद के लिए उपयोग नहीं करना, ये दिखाता है चरित्रवान को इंटीग्रिटी, है ना। तो ये कहना आसान है कि जो नेतागण हैं, है ना, या लीडर्स हैं, वो सब ये गलत काम कर रहे हैं, ये गलत काम कर रहे हैं, ये गलत काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम उस पोजीशन में पहुंचते हैं, जब कोई कोई लीडर बन जाता है या कोई खुद कोई पॉलिटिशियन इस स्थिति में आ जाता है, तब उस स्थिति में उसका चरित्र कैसा रहता है वो हमें देखने को मिला। फिर आगे हमने देखा कि किस तरह से जो दूसरा उनका पड़ाव आया, दूसरी परीक्षा आई, माता कौशल्या ने ऊपरी तौर से उन पर आरोप लगाया, है ना, और उस आरोप का खंडन करने के लिए उन्होंने क्या बोला कि अगर मेरा लेश मात्र भी इसमें हाथ है तो मैंने जितनी भी अपने गुरु से विद्या ली है सब निष्फल हो जाए, और जितने भी संसार के जितने भी लोग हैं उनके पाप हैं वो मेरे ऊपर आ जाए, है ना। तो इससे हम देखते हैं कि जब आरोप होता है तो हम प्रत्यारोप से उसका उत्तर देते हैं, आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, और आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में क्या होता है, जो मुख्य चीज़ होती है वो साइड में हो जाती है ना। लेकिन भरत जी ने उसको, है ना, हम कभी कभी चीज़ों को पर्सनल ले लेते हैं, खुद के ऊपर ले लेते हैं कि अरे मुझे ऐसा हो गया, मेरे को ऐसा बोल दिया, तो पर्सनल न लेकर वहाँ मुख्य चीज़ क्या चल रही है, मुख्य चीज़ चल रहा है सेवा, है ना, मुख्य चीज़ चल रहा है भगवान कृष्ण भगवान राम के प्रति उनकी सेवा चल रही है। तो उस सेवा को फोकस में रखते हुए अगर हम चीज़ों को देखेंगे, और अगर हमारे ऊपर कोई आरोप लगाता है तो उसको हम व्यक्तिगत रूप से अपने ऊपर नहीं लेंगे, उसको हम ये देखेंगे कि सेवा को कैसे इम्प्रूव किया जाए, उस सेवा को कैसे, उसकी गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जाए। तो क्योंकि मिथ्या अहंकार होता है इसलिए हम व्यक्ति चीज़ों को पर्सनल ले लेते हैं। तो यहाँ तक हमने चर्चा किया। फिर आगे वशिष्ठ मुनि को बताते हैं कि अभी अंतिम संस्कार का समय आ गया है, तो भरत जी जाते हैं, दिव्य शरीर को जो तेल है उससे निकाला जाता है, वस्त्र पहनाए जाते हैं, है ना, माला पहनाई जाती है, चंदन लगाया जाता है, और सरयू नदी के किनारे अंतिम दाह संस्कार होता है। फिर 10वें और 11वें दिन कुछ अनुष्ठान होते हैं, फिर 13वें दिन वो अस्थि लेने जाते हैं, अस्थियों को विसर्जित करते हैं, और उस समय भरत जी बहुत, है ना, बहुत दुखी हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, और फिर वो वहाँ पर निर्णय लेते हैं कि जल्दी से जल्दी इस परिस्थिति को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, और ये विचार करते हैं कि कहीं ना कहीं
क्योंकि मेरी माँ की मुझसे आसक्ति है और उस आसक्ति के कारण उन्होंने राज्य की याचना किया, तो कहीं ना कहीं मैं इसमें दोषी हूँ। तो हालांकि उनका कोई दोष नहीं है, बिल्कुल भी दोष नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को एक रिमोट कॉज समझ रहे हैं, है ना, कि इसका दोषी मैं हूँ। तो इससे हम देख सकते हैं कि जब एक साधारण जो जीव हैं, है ना, या उनकी गलती होती है तो उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए बहुत सारे आर्ग्यूमेंट वो देते हैं, है ना। लेकिन भरत जी की गलती ना होते हुए भी फिर भी अपनी गलती को सुधारने का, वो जो कि गलती नहीं है उसको ठीक करने का वो प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ तक हमने देखा। अभी अगला दिन होता है, 14वां दिन आता है, 13 दिन बीत चुके हैं, अभी 14वां दिन आता है। उस दिन क्या होता है कि एक गार्ड होता है, एक सैनिक होता है, और सैनिक मंथरा के बाल पकड़ के वो लेके आता है भरत जी के पास में, जहाँ पर भरत और शत्रुघ्न थे वहाँ पर वो खींच के लेके आता है और बताता है कि यही है जिसके कारण सब कुछ हुआ है, है ना। तो शत्रुघ्न क्या करते हैं कि मंथरा के बालों को पकड़ते हैं और दंड देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बोलते हैं कि यही रीज़न है जिससे हमारे जो राजा हैं उनकी मृत्यु हुई, और यही एक कारण है जैसे जो राम है वो वन के लिए गए हैं, है ना। तो जो कैकेयी है वो उनसे, भरत से बहुत गिड़गिड़ाती हैं कि ऐसा मत करो, है ना, क्योंकि कैकेयी की सबसे फेवरेट दासी थी वो, सबसे प्रिय दासी थी। जो उनका विवाह हुआ था, कैकेयी राज से यहाँ पर आए थे, तो वो मंथरा भी साथ में आई थी, तो बहुत घनिष्ठ संबंध था। तो वाल्मीकि रामायण में नहीं है लेकिन अन्य रामायण में बताया गया है, वहाँ भरत जी बोलते हैं कि जैसे शत्रुघ्न मंथरा के साथ कर रहे हैं वैसी मेरी इच्छा तुम्हारे साथ करने के लिए हो रही है ना, लेकिन हमारे कार्य को भगवान राम उसको देखकर उसको प्रसन्न नहीं होंगे, इसीलिए शत्रुघ्न उनको छोड़ दो, है ना। तो वो विचार कर रहे हैं कि कोई भी हम एक्ट कर रहे हैं, कोई भी एक्शन कर रहे हैं, कोई भी क्रिया कर रहे हैं, उससे भगवान राम प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे। अगर भगवान राम को पता चला हमने ऐसा कार्य किया है तो प्रसन्न नहीं होंगे, इसीलिए वो कार्य हम नहीं करते, है ना। तो गुस्सा है, क्रोध है, लेकिन ऐसा नहीं इतना गुस्सा आ गया कि क्या कर रहे हैं वही पता नहीं चल रहा है ना। जब कभी किसी को गुस्सा आता है, किसी के प्रति गुस्सा आया है तो उसके प्रति तो गुस्सा निकलता ही है, उसके आसपास भी कोई अगर आ गया तो एक दो पे और गुस्सा निकल जाता है। तो जब कोई गुस्सा में आता है तो उसके लोग आसपास जाते नहीं हैं, पता चला मेरे पे भी निकाल दिया, क्योंकि हम क्या करते हैं गुस्से में बह जाते हैं, है ना, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है गुस्सा। लेकिन यहाँ पर भरत जी को बहुत गुस्सा आ रहा है मंथरा के प्रति, है ना, शत्रुघ्न को बहुत गुस्सा आ रहा है, है ना, कि इच्छा हो रही उसको मार दें, है ना, लेकिन कंट्रोल है, है ना। क्यों है? क्योंकि भगवान राम प्रसन्न नहीं होंगे। तो हम देख सकते हैं कि, और यहाँ बताया जा रहा है कि मंथरा का तुलना किया गया है लोभ से और संशय से, लोभ और संशय। तो लोभ को और संशय को बिल्कुल पकड़ के, है ना, जैसे शत्रुघ्न मतलब शत्रुओं को मारने वाले, शत्रुहंता। हालांकि शत्रुघ्न ने बहुत सारे शत्रुओं को नहीं मारा, लेकिन फिर भी उनको शत्रुघ्न नाम दिया गया। तो उन्होंने जो संशय और लोभ, ये जो शत्रु हैं, उनका सबसे पहले, है ना, शत्रुघ्न को मारा। और आगे चल के हम उत्तरकांड में आता है कि लवणासुर का भी वध शत्रुघ्न ने भी किया था। तो इस तरह से और समय बीतता है, एक दिन और बीतता है, फिर सभा का आयोजन होता है। उस सभा में सारे मंत्रीगण आते हैं, मंत्रिमंडल आता है, और मंत्रिमंडल भरत जी से निवेदन करता है कि आप राज्य को स्वीकार कीजिए। तो ये है कौन सा टेस्ट? तीसरा टेस्ट, कि आप राज्य में अराजकता फैल जाएगी,
है ना, सब छिन्न भिन्न हो जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा, इसलिए आप राज्य को स्वीकार कीजिए। तो भरत जी हाँ बोलते हैं कि हमारे कुल की परंपरा रही है कि जो सबसे ज्येष्ठ होते हैं वो राजा बनते हैं, है ना, इसीलिए मैं इस चीज़ को ये राज मुकुट को मैं स्वीकार नहीं कर सकता, है ना, और मैं तब तक विश्राम नहीं करूँगा जब तक राम जो है उनको वापस ना ले जाऊँ, तब तक मैं विश्राम नहीं करूँगा, है ना। और वो तुरंत आदेश देते हैं कि जितने भी श्रमिक वर्ग हैं, जितने भी श्रमिक हैं, वो अयोध्या से लेकर गंगा नदी तक एक रास्ता तैयार करें, उस रास्ते के दोनों तरफ पेड़ लगवाना है, कुएं खुदवाना है, है ना, छायादार कुछ शेड लगवाना है, वो सब अयोध्या से लेकर गंगा तक, वहाँ तक वो कार्य करें, और सभी श्रमिक वर्ग को वो आदेश देते हैं और कार्य चालू हो जाता है। तो हम देखते हैं कि तीसरा टेस्ट है भरत जी के सामने कि मंत्रीगण बोल रहे हैं, है ना, कि आप राजा को स्वीकार कीजिए, तो लेकिन भरत जी क्या सोच रहे हैं इसमें, हम देखते हैं इस पूरे वर्णन से कि निस्वार्थता की कितनी बड़ी भावना है, है ना, कितनी अधिक निस्वार्थता की भावना है। हर व्यक्ति पोस्ट रिकॉग्निशन फैसिलिटीज कंफर्ट ये ढूंढ रहा होता है हर व्यक्ति, और उस व्यक्ति को बिना परिश्रम की अगर मिल जाए तो कितना आनंद आएगा उसमें, कितना अधिक आनंद आएगा उसमें, बिना परिश्रम किए बिना कुछ किए मिल जाए, हर व्यक्ति यही चाहते हैं, कंडीशन सोल जो बद्ध जीव है। लेकिन भरत जी क्या है, निस्वार्थता की क्या है, पराकाष्ठा, कि बिल्कुल भी उनके अंदर खुद के लिए कुछ लेने की, मुझे कुछ नहीं, मेरा ये कर्तव्य है कि मुझे राजा के एक असिस्टेंट की तरह कार्य करना, मेरा ये कर्तव्य निर्धारित किया गया इसलिए मुझे करना, इसीलिए जो वैदिक समाज है वो कर्तव्य प्रधान है, है ना, जो वैदिक संस्कृति है उसमें क्या है, कर्तव्य की प्रधानता है, उसमें ये ऐसा नहीं होता है कि मुझे ये मिलना चाहिए मुझे वो मिलना चाहिए, अधिकार की प्रधानता नहीं है वहाँ पर, अधिकार कि मुझे, मेरा ये अधिकार है मुझे ये मिलना चाहिए मेरा वो अधिकार, अधिकार प्रधानता नहीं है। आजकल का जो हमारा आधुनिक समाज में हमारे बड़े हुए हैं तो हर व्यक्ति के मन में ये होता है कि ये मुझे ये मिलना चाहिए मुझे वो मिलना चाहिए मुझे ये मिलना चाहिए मुझे ये क्यों नहीं मिला मुझे वो क्यों नहीं दिया गया, हर व्यक्ति बस ये अधिकार, लेकिन ये नहीं सोचता मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे करना क्या है, मुझे ये क्यों, मैं जानूँ तो जो गुरु हैं, है ना, उनसे जानने का प्रयास तो करूँ, मेरे लिए क्या कर्तव्य क्या है। तो ये दोनों बहुत डिफरेंस है, इवन भक्ति में आके भी इस चीज़ को समझना बहुत मुश्किल होता है, उसकी वजह से समस्याएँ हो जाती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति सोचता है कि मुझे ये मिलना चाहिए मुझे वो फैसिलिटी मिलना चाहिए मुझे ऐसा मिलना चाहिए, लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कर्तव्य पालन करने से ही भगवान प्रसन्न होने वाले हैं, अधिकार को छीन कर फिर उस पर कार्य करके भगवान खुश नहीं होने वाले, है ना। तो भरत जी के पास तो रखा रखा है सब मिल रहा था, लेकिन वो अपना कर्तव्य देख रहे, मैं इस योग्य नहीं हूँ, इक्ष्वाकु वंश की परंपरा रही है जो ज्येष्ठ होते हैं वो राजा बनते हैं, ये सब षड्यंत्र हुआ है इसीलिए मैं इसको स्वीकार नहीं करूँगा, है ना, ऑनेस्टी ईमानदारी। फिर 15वां दिन आता है तो वो विश्राम कर रहे होते हैं, रात्रि में विश्राम कर रहे होते हैं, तो जैसे हमने देखा था कि जो राजा होते हैं उनको चारण और भाट उठाते हैं, है ना, उनको निद्रा से उठाते हैं, तो क्या होते हैं चारण और भाट आ जाते हैं और संगीत बजाना प्रारंभ करते हैं। अब भरत जी वहाँ अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे तो भरत जी तुरंत उठ जाते हैं और क्या बोलते हैं, इस संगीत को आप बंद कर दो, इसको ये नहीं चलना चाहिए। तो अगर हम कभी बोलते हैं, जैसे हम सॉरी बोल देते प्रभु सॉरी, फिर अगर किसी चीज़ को अगली बार अंकित किया जाता है, सॉरी तो बोला था ना, फिर क्यों बोलना है बाद, एक बार बोल दिया ना सॉरी, ऐसा होता है
माफ़ी मांग रही ना, मैं बार बार ही ऐसा क्यों? तो भरत जी के वास्तव में ऐसा नहीं कि सबके सामने सॉरी बोल ही दिया है, सबके सामने स्वीकार कर लिया है, आराम से सोते हैं, चैन की नींद सोते, कौन देखने वाला है, सब बोल ही दिया है पहले, ऐसा नहीं है। वो वास्तव में उनके अंदर है कि जैसे वो संगीत बजता है, चारण भाट संगीत बजाते हैं, तो उनको क्या होती है, इरिटेशन होता है उनको। इरिटेशन को क्या बोलेंगे, घृणा जैसा होता है कि राजा जैसा रिसेप्शन मुझे क्यों हो रहा है, राजा जैसा मुझे क्यों? तो तुरंत वहाँ पर वो बंद कर देते हैं। तो ये चौथा टेस्ट था, है ना। फिर आगे 15वां दिन आता है, और 15वां दिन में क्या आता है कि सारे मिनिस्टर्स और वशिष्ठ मुनि, सारे वर्णों के लोग, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब लोग आते हैं, और एक पूरी राजसभा का आयोजन होता है। उस राजसभा में सब लोग होते हैं, और सब लोग मिलकर एक साथ बोलते हैं कि आप राजा बन जाइए। हम वो 2-3 दिन पहले सुन रहे थे, त्रिणकृष्ण बता रहे थे कि हम पुस्तक वितरण करने जाते हैं, तो 8-10 लोग एक साथ घर में चले जाते हैं, तो जब 8-10 लोगों को वो देखता है तो उसको बुक लेना ही पड़ता है, क्योंकि इतना प्रेशर क्रिएट हो गया ना, वो इतना देख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सारे मंत्री, प्रजा, सारे वर्ण के लोग, गुरु सब एक साथ मिलकर क्या बोल रहे हैं कि आप राजा बन जाइए। अब भरत जी क्या बोलते हैं कि वो एक क्रोधित हो जाते हैं कि आप लोग मुझे बार बार क्यों बोल रहे हैं कि मैं राजा बन जाऊँ। सेवक सेवक होता है, स्वामी स्वामी होता है, सेवक कभी स्वामी का स्थान नहीं ले सकता है, है ना। और मेरे पिता इतने महान थे, दशरथ महाराज इतने महान थे कि भगवान राम के जाने से उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन मेरी स्थिति क्या है, भगवान राम यहाँ से गए और उन्होंने प्राण त्याग दिए, और मेरी स्थिति यहाँ पर क्या है, तो मैं कैसे उनका राज उनसे कैसे छीन सकता हूँ। तो मेरा उत्तरदायित्व यह है कि उनका राज उनको मैं वापस लौटा दूँ। तो ये वो इस तरह से वो सोच रहे हैं, एक है ना, एक स्लेव का, स्लेव एक एक सेवक का अपना कुछ नहीं होता, स्वामी का सब कुछ होता है। तो इस तरह से वो बोलते हैं और कहते हैं कि अगले दिन हम तैयारी करते हैं और सब एक साथ चलेंगे, सारे अयोध्यावासी सब लोग चलेंगे उनको लेने के लिए, है ना। तो कुछ हमने गलती किया, और गलती को अगर हमें उसको सुधारना है तो उसके लिए पूरा प्रयास करना चाहिए कि अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो उसे मुझे सुधारने का पूरा प्रयास होना चाहिए। उस ऐसा नहीं कि बस सॉरी तो बोल दिया मैंने, हो गया, बस गलती तो स्वीकार कर ली, नहीं, वो तो है, स्वीकार कर लिया, लेकिन उसको सुधारने का प्रयास करें। तो भरत जी ने क्या किया कि जितना हो सकता है, मतलब जो सबसे अच्छा प्रयास हो सकता है वो करने का प्रयास किया कि सब लोग चलिए, सब एक साथ प्रयास करेंगे तो भगवान राम बाध्य हो ही जाएंगे, उनको मनवाई लेंगे हम। तो इस तरह से वो सब लोगों को लेकर चलने की तैयारी करने लगे। और जो यहाँ पर श्रमिक वर्ग थे उन्होंने गंगा नदी तक, अयोध्या से लेकर गंगा नदी तक पूरा रास्ता तैयार कर लिया, है ना, उसमें कुएँ हैं, है ना, और वृक्ष लगे हुए हैं, है ना, और शेड लगा हुआ है। और तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो श्रमिक वर्ग है या शूद्र, वो भी भगवान राम के सेवक की सेवा में लगे हुए हैं। भरत जी ने आज्ञा दिया कि आप रोड का निर्माण करो, तो सभी लोगों ने मिलकर वो रोड बनाया। तो किनका सेवा किया उन्होंने, भगवान के भक्त की सेवा किया, और इस सेवा करने से उनको सिद्धि मिल गई। भक्त ने उनको आदेश दिया कि आप रोड बनाओ वहाँ तक, और उससे उनको परफेक्शन मिल गया। क्यों है, भगवान के भक्त की उस सेवा कर रहे। तो हर किसी को चांस मिल रहा है ना। एक तरह से हम देखा जाए तो आदर्श रूप से वर्णाश्रम हमको यहाँ दिखाई दे रहा है ना। शूद्रों का एक अलग अलग कार्य है, लेकिन वो भगवान के भक्त की सेवा में लगे हुए हैं तो उनके लिए परफेक्ट। तो अगला दिन होता है, सब उठते हैं और सब तैयारी करते हैं, सभी माताएं और सभी वर्णों के लोग
अयोध्यावासी गुरु वशिष्ठ मुनि है ना, और जवाली मुनि, अलग अलग मुनि, वो सब साथ में लेके वो आगे चलना चालू करते हैं। और सब लोग आपस में भगवान राम के दिव्य गुणों के बारे में, लीलाओं के बारे में, उनके रूप के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और इस चर्चा करने से उनके अंदर एक अलग उत्साह आ गया, जो इतने समय से सब निराश थे, अब सबके अंदर एक नया उत्साह आ गया। और चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, और वो कहाँ पहुँचते हैं, श्रृंगवेरपुर है ना, श्रृंगवेरपुर पहुँचते हैं। कोई गए हैं श्रृंगवेरपुर? श्रृंगवेरपुर पता हो जी, प्रयाग, प्रयाग से थोड़ा उत्तर साइड, हाँ प्रयाग से 30 किलोमीटर वहाँ पर। तो श्रृंगवेरपुर पहुँचते हैं और वहाँ पर कौन होते हैं, हमारे नाम के मित्र निषाद राज गुह है ना। तो वहाँ पर जब श्रृंगवेरपुर पहुँचते हैं तो जब इतनी बड़ी सेना को देखते हैं गुह, तो थोड़ा सा उनके मन में सोचते हैं कि ये इतनी बड़ी सेना कहाँ से आ रही। तो फ्लैग्स तो होते हैं वहाँ पर है ना, झंडे होते हैं, तो समझ जाते हैं कि अयोध्या से सेना आ रही है ना। तो गुह निषाद राज गुह हैं, वो विचार करते हैं कि जो भरत हैं उनको अभी तक चैन नहीं पड़ा, वो ऐसा चाहते हैं कि 14 वर्ष के बाद ही राजा बने रहें, इसीलिए क्या है पूरी सेना लेके आ रहे हैं, और पूरी सेना लाके युद्ध करेंगे और है ना। तो उनको तो हम देख रहे हैं निषाद राज गुह भी क्या है, महान भक्त हैं, और भरत जी भी क्या है, महान भक्त। दो भक्तों के बीच में क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। तो भक्ति की उच्च अवस्था में भी दो भक्तों के बीच में क्या हो सकती है, प्रभुपाद जी यहाँ तक ही बोलते हैं कि भगवत धाम में भी क्या होता है, जो गोपियाँ होती हैं उनमें आपस में क्या हो जाता है, डिवीज़न हो जाता है ना, उनमें भी आपस में मतभेद हो जाते हैं। लेकिन मतभेद का केंद्र क्या होता है कि भगवान की सेवा कैसे की जाए। मतभेद का केंद्र ऐसा नहीं होता कि कौन सही है कौन गलत है ना, मेरे अनुसार तो ये सही है, वो बोलेगा नहीं मेरे अनुसार तो ये सही है। लेकिन मतभेद का केंद्र क्या है कि सेवा कैसे बेस्ट होना चाहिए है ना। तो गुह बोलते हैं भरता चैव सखा चैव रामा दशरथी ममा तस्य अर्थ कामा समनब्धा गंगा अनूप तत्व तिष्ठता। तो बोलते हैं कि मैं राम का, राम मेरे भरता हैं, स्वामी हैं, मेरे मित्र हैं और मेरे लिए सब कुछ है, और उनकी सुरक्षा करने के लिए अगर मुझे युद्ध भी लड़ना पड़े तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। तो इस तरह से वो और अगर कुछ समस्या नहीं होगी तो मैं गंगा नदी पार करने में सहायता करूँगा, नहीं तो अदर अन्यथा मैं युद्ध करूँगा। तो क्या होता है वहाँ पर भरत जी पहुँचते हैं, और जो भरत होते हैं उनके साथ में कौन होते हैं, सुमंत्र है ना, वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं और निषाद राज गुह से मिलते हैं। और भरत जी बोलते हैं, वो सुमंत्र उनको उनका परिचय कराते हैं कि ये भगवान राम के मित्र हैं और इन्होंने ही गंगा नदी पार करने में सहायता किया था है ना, तो और ये भगवान राम के भाई हैं, भरत हैं है ना। तो इस तरह से आप एक दूसरे का परिचय कराते हैं, और जो गुह हैं भरत जी को प्रणाम करते हैं और उनको रात्रि में विश्राम करने के लिए जगह प्रदान करते हैं। तो कुछ समय क्या होता है, जो गु हैं उनको डाउट होता है कि कुछ तो गड़बड़ है ना। एक औपचारिकता से उन्होंने सब दिया, सब विश्राम करने के लिए जगह दिया, लेकिन उनके अंदर डाउट है कि मुझे भरत जी के इंटेंशन सही नहीं लग रहे, ठीक नहीं लग रहे है ना। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये उनके भाई की तरह व्यवहार कर रहे हैं, ये तो शत्रु की तरह व्यवहार कर रहे हैं है ना। तो वो छठा टेस्ट भरत जी के सामने आता है, क्या टेस्ट आता है, फिर से डाउट करना है ना। किसी के ऊपर डाउट करना कितना वो होता है ना। हम सोच के अगर देखें, अगर कोई हमारे पर डाउट करे
हमारे एक्शंस को लेकर, तो उस समय हमें कितना अधिक है ना वो क्या बोलेंगे, दर्द होता है, पीड़ा होती है। मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं, मेरे बारे में ऐसा सोचा है ना, तो लेकिन भरत जी ऐसा विचार नहीं कर रहे हैं। भरत जी उसको ठीक है कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं उस पूरा जो घेरा है, उस लूप है, उसमें मैं भी पार्ट हूँ, है ना। लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई पहले उनके ऊपर आरोप लगा, सोचिए आप, पहले आरोप लगा फिर डाउट किया गया उनके ऊपर, है ना। अगर हमारे साथ ऐसी चीज़ें हुई हम तो सेवा ही छोड़ देंगे, सबसे पहले सेवा छोड़ेंगे। लेकिन भरत जी ने सेवा नहीं छोड़ी, क्योंकि जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। हम अपने शब्दों से है ना या कुछ करके सही को गलत नहीं कर सकते और गलत को सही नहीं कर सकते। जो सत्य है वो सत्य रहेगा, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। जो सत्य है वो सत्य रहेगा, जो टेम्परेरी है वो टेम्परेरी रहेगा, है ना। तो इसीलिए कोई अगर आरोप भी लगा रहे हैं, कोई अगर हमारे ऊपर डाउट भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें पता है कि हमने केवल भगवान की सेवा करने के लिए ही कुछ कार्य किया है, तो फिर हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में है। एक डाउट कर सकते हैं लेकिन सब लोग डाउट नहीं कर सकते, बाकी लोग डाउट नहीं कर सकते। तो इसीलिए भरत जी ने क्या किया, धीर पेशेंस धैर्य रखा, और भरत जी बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हुए, और उन्होंने बोला कि मेरा उद्देश्य ये है कि सबको साथ में लेकर हमारे नाम को किसी तरह मनवाना और उनको वापस लेके आना, है ना। तो जो निषाद राज गुई हैं वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। तो हम देख रहे हैं कितनी सारी शिक्षाएं हैं इसमें, कितनी सारी शिक्षाएं है ना। अगर हम इन शिक्षाओं को पालन करेंगे तो फिर हम अपने अनर्थों से मुक्त हो पाएंगे, और अनर्थों से मुक्त हो पाएंगे तब हम भगवत धाम जाने के लिए योग्य बन पाएंगे। अगर ये हमारे अंदर सारे अनर्थ हैं और अनर्थ हमारे इंगित किए जाएंगे, है ना, हमारे आसपास के भक्ति ही हमारे अनर्थों को इंगित करेंगे, है ना, कि कितने हम शुद्ध हो पाए, कितना हमारे अंदर निस्वार्थता का भाव है, कितना हम केवल सेवा के लिए करना चाहते हैं, ये बार 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 ये चीज़ें आएंगी और हमारी परीक्षा होगी। कई बार है ना हम पे आरोप भी लग सकता है, हमारे ऊपर लोग डाउट भी कर सकते हैं, हमें फैसिलिटीज भी मिल सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन किस तरह फोकस हमें सामने रखना है। अगर फोकस है भगवान की सेवा तो ये सब चीज़ें आएंगी और चली जाएंगी। अगर हमारी खुद का कंफर्ट है, खुद का सम्मान है, खुद के लिए पोस्ट की याचना है, वो अगर फोकस है, ये चीज़ आएगी तो फिर सेवा धूमिल हो जाएगी, सेवा ढक जाएगी और इन सब चीज़ों में फंस जाएंगे, और यही होता है, अधिकतर यही होता है, है ना। तो फिर अभी निषाद राज गुई हैं, उनको बताते हैं कि भगवान जब आए थे तो उन्होंने क्या क्या कार्य किए थे। यहाँ पर उनकी पहली रात्रि थी, मैंने पेड़ के नीचे पूरा बिस्तर लगाया था घास का, और हम लोगों ने ये बातचीत किया था, है ना। तो इस तरह से वो भरत जी और जो गुह आपस में बातचीत करते हैं, तो भरत जी को क्या होती, थोड़ी सांत्वना मिलती है ना। तो जब दो भक्त आपस में मिलते हैं, हमने पहले देखा दो भक्तों में आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, और किन दो भक्तों के बीच में, दो महान भक्तों के बीच में, लेकिन एक भक्त जो है उनकी परिपक्वता के कारण वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हो गया, ख़त्म हो गया, है ना। और फिर वो आपस में चर्चा कर रहे हैं, किसकी चर्चा कर रहे हैं, भगवान राम की चर्चा कर रहे हैं, है ना। बोधयंता परस्परम, मत चित्ता मदगता प्राणा बोधयंता परस्परम, है ना। फिर गुरु जो है उनको ले जाते हैं उस पेड़ के पास में, जहाँ पर भगवान राम सीता माता रात्रि में विश्राम किया था, और लक्ष्मण जी वहाँ पर गार्ड, है ना, जहाँ खड़े हुए थे, पहरा दे रहे थे। तो जब, और वो बताते हैं कि अगले दिन सुबह
जो राम और लक्ष्मण हैं उन्होंने अपने जो बाल हैं उनमें जटा धारण कर लिया है ना, जो पेड़ में से वो निकलता है, क्या क्या बोलते हैं उसको, गोंद, गोंद, उस गोंद का उपयोग करके उन्होंने अपने बालों में लगाकर उसको जटा बांध ली। तो ऐसे पूरा बताते हैं। तो फिर और वहाँ पर एक अंजीर का पेड़ होता है ना, अंजीर के पेड़ के नीचे भगवान वहाँ पर विश्राम किए हुए थे, सीता माता वहाँ पर थी। जब ये सब चीज़ें देखते हैं तो भरत जी क्या हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, बोलते हैं, अजीन उत्तर समस्त्रीर्णे वर आस्त्रण समचये सहित्वा पुरुषम व्याघ्रा कथम से मही तले, कि जो अयोध्या के अयोध्या के इतने ऐश्वर्य में कम कक्षों में और इतने सुंदर इतने आरामदायक बिस्तर पे सोते थे, आज वो मेरे कारण यहाँ पर घास पे सो रहे हैं, आज मेरे कारण यहाँ पर भूमि पर सो रहे हैं, है ना। जो जिनको चारण और भाट के सुंदर मधुर संगीत से उठते थे, आज उठते समय वो जंगली जानवरों की आवाज़ को सुन रहे हैं, आसपास सांप घूम रहे हैं, भेड़िया हैं, गीदड़ हैं, वो सब उनकी आवाज़ के द्वारा उनको उठना पड़ रहा है। और फिर यहाँ बताया जाता है, मन्ने सावरण सुप्ता सीता अस्मिन सयने तदा तत्र तत्र ही दृश्यन्ते सक्ता कनक बिंदवा। तो ये श्लोक बोल रहे हैं गुह, क्या बोल रहे हैं कि आप ये देखिए, अभी भी कुछ यहाँ पर सोने के कुछ कुछ टुकड़ा यहाँ पर रह गया है ना, कुछ गोल्डन कुछ धागे और गोल्डन टुकड़े यहाँ पर। तो वाल्मीकि रामायण में ये बताया गया है, हम जैसे अपने टीवी में देखते हैं कि सीता माता ने सैफ्रन कपड़े पहने थे, ऐसे टीवी में बताया जाता है, और कई पिक्चर्स भी हैं वनवास में सीता माता ने केसरिया वस्त्र पहना, लेकिन ये गलत है। वाल्मीकि रामायण बताया है कि सीता माता ने सैफ्रन कपड़े नहीं पहने थे, जो वो राज्य में पहनते थे अयोध्या में पहनते थे वही वही वस्त्र उन्होंने, वही आभूषण उन्होंने वनवास के समय पहने, उसका एक प्रूफ ये है। और भी आगे एक दो प्रूफ और आएंगे कि जो सोने के आभूषण हैं वो कुछ वहाँ पर गिरे हुए वो देख रहे हैं। फिर आगे बता रहे हैं, हा हंत अस्मि निरसम्मो अहम यत् भरया कृतेत्मना, कि धिक्कार है मुझ पर, है ना, मुझ पर धिक्कार है कि मेरी वजह से भगवान राम और सीता माता को पृथ्वी पर सोना पड़ा, मेरे ऊपर धिक्कार, इस तरह से वो बोलते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारे मनोबुद्धि के बियॉन्ड चल रहा है, केवल हम बस सुन सकते हैं, थोड़ा कुछ समझ सकते हैं, लेकिन इसको जीवन में पालन करना है ना बहुत मुश्किल है। और भरत जी प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं भी अभी वनवास का वेश धारण करूँगा, मैं भी राजसी वस्त्र त्यागता हूँ, मैं भी जटाओं को बांध लूँगा, पृथ्वी पे सोऊंगा और केवल कंदमूल ही ग्रहण करूँगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है 14 वर्ष के लिए। और वहाँ पर वो अपने जटाओं को बांधते हैं, जटाओं को बांधने के बाद राजसी वेश त्याग देते हैं और पृथ्वी पर सोते हैं। उनको किसी ने नहीं बोला, किसी ने उनको नहीं बोला कि आप कीजिए, लेकिन वो स्वेच्छा से कर रहे हैं। और अगर जरूरत पड़ा तो मैं वहाँ पर रह जाऊँगा, आज्ञा ही पालन करना है ना, तो मैं रह जाऊँगा, वो वापस आ जाएंगे यहाँ पर। तो इस तरह से वो तो अगला दिन होता है और जो निषाद राज गु हैं उनके लिए 500 नाव की तैयारी करते हैं, और 500 नाव में बैठकर सभी अयोध्यावासी गुरुजन माताएं सब वहाँ पर गंगा नदी को पार करते हैं। और गंगा नदी को पार करने के पश्चात वो पहुँचते हैं प्रयागराज, और प्रयागराज में कौन है, कोई बताना चाहेंगे, किन्होंने बताया, हाँ भरद्वाज मुनि। तो भरद्वाज मुनि ही हैं जिन्होंने भगवान राम को बताया था कि आप यहाँ से आगे चित्रकूट जाइए। तो भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुँचते हैं, भरद्वाज मुनि के गुरु कौन है, कौन किन्होंने बोला, कौन है उनके गुरु, वाल्मीकि मुनि
है ना। तो वाल्मीकि मुनि अभी अपने शिष्य के कितनी उनकी शक्ति है, कितने महान शिष्य हैं, उसका वर्णन करेंगे वाल्मीकि मुनि, है ना। तो वशिष्ठ मुनि और भरद्वाज मुनि आपस में मिलते हैं और उनको कंद मूल फल और हाथ धोने के लिए, पैर धोने के लिए जल देते हैं, और भरद्वाज मुनि फिर सातवीं परीक्षा लेते हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भरत तुम राम के शत्रु हो, है ना, इसीलिए इतना सब पूरा सेना लेके अपने साथ में लेके आए। फिर अभी तो चलो निषाद राज गुह हैं, कौशल हैं, अभी एक मुनि हैं, ऋषि हैं, उन्होंने ही आरोप लगा दिया। अब देख रहे कितना, अगर इतने आरोप लगे हैं तो हम तो वहीं ढेर हो जाएंगे, है ना। तो उनके भरत जी के नेत्रों में आंसू आ जाते हैं, बोलते हैं कि मेरे बिल्कुल भी किंचित मात्र भी इसमें मेरा हाथ नहीं है, है ना। और भरद्वाज मुनि बोलते हैं कि मुझे पता है आपका हृदय कैसा है, भगवान राम के प्रति आपका प्रेम और बढ़े इसके लिए मैंने ऐसा आरोप लगाया। और बोलते हैं कि यहाँ से कुछ ही दूर चित्रकूट है, वहाँ आप अगले दिन ही भगवान राम को मिल पाएंगे, अगले दिन ही आप दर्शन कर पाएंगे, आज के दिन आप यहाँ पर रुकिए, आज यहाँ विश्राम कीजिए। तो सब लोग अयोध्यावासी सभी लोग वहाँ विश्राम करते हैं और भरद्वाज मुनि अपनी योगिक शक्ति से क्या करते हैं, बहुत सारे देव गंधर्व, है ना, बहुत अच्छा भोजन, पेय पदार्थ, है ना, म्यूज़िक, संगीत और बहुत बड़ा महल सब प्रकट कर देते हैं वहाँ पर। जैसे हम देखते हैं ना कर्दम मुनि ने, हम तीसरे स्कंद में देखते हैं कर्दम मुनि ने पूरे हवा में, है ना, उड़ने वाला महल ही पूरा प्रकट कर दिया था। उसी तरह से भरद्वाज मुनि ने क्या किया, सब कुछ सुविधाएं उत्पन्न कर दी, किसके लिए, सबके आतिथ्य के लिए, अतिथि सत्कार करने के लिए, कि सब आए हैं यहाँ पर तो उनका अतिथि सत्कार होना चाहिए। तो वहाँ पर जितने सब अन्य लोग थे, अयोध्यावासी थे, जब उन्होंने इतना बड़ा सब महल देखा, संगीत देखा, है ना, पेय पदार्थ देखा, भोज्य पदार्थ देखा, तो सब उसमें कुछ समय के लिए क्या हो गए, उसका उपयोग करना चालू कर दिया। लेकिन भरत जी ने क्या किया, वहाँ पर जो सिंहासन था उस पूरे महल में, उस सिंहासन में मानसिक रूप से भगवान राम को बैठाया और खुद उनके उस जो सिंहासन के चरणों में वहाँ बैठ गए, है ना। तो ये भरत जी का आठवां टेस्ट था, आठवीं परीक्षा थी कि सब कुछ इतना समय बीत गया, अभी हम काउंट करेंगे कितने दिन गए हैं, तो इतना समय बीत गया, अपनी गलती भी स्वीकार कर ली, सब लोगों ने उनको बोल भी दिया कि हाँ की कोई गलती नहीं है, आप सही इंटेंशन से जा रहे हैं, और उस समय फिर उनको बहुत सारी सुविधाएं दी गई, है ना। फिर भी उन्होंने क्या किया, कोई सुविधा नहीं थी, जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता है तब तक मैं कुछ उपयोग नहीं करने वाला। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो भरत जी हैं, सारे सब सुख सुविधाएं उनको प्रदान करने के बावजूद भी उन्होंने उनका उपयोग नहीं किया, है ना। कभी कभी हम ऐसे कक्ष में अकेले हैं या घर में हम अकेले हैं और कुछ प्रसाद रखा हुआ है या कुछ गैजेट रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रखा हुआ है, या ऐसी चीज़ रखी है जिसकी हमें आवश्यकता ही नहीं है, अभी अकेले हैं, कोई देख नहीं रहा है तो ले लिया, या कुछ गैजेट यूज कर लिया, सुविधा है ना, सुख सुविधाएं दिख रही है ना, तो सुख सुविधाएं को अपने लिए उपयोग कर। लेकिन भरत जी कैसे हैं, अपने लिए उपयोग नहीं करना। फिर भरत जी बोलते हैं, भरद्वाज मुनि बोलते हैं, देवानाम दानवानाम च ऋषीणाम भविता आत्मनाम हित्वा एव भविष्यामि रामा प्रजावाद प्रब्रजा जनात इहा। देवताओं के लिए, ऋषियों के लिए, दानवों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, सबके लिए भगवान राम का वनवास श्रेयस्कर होने वाला, हितकारी होने वाला, तो तुम चिंता मत करो,
तो हम देखते हैं कि भरद्वाज मुनि की एक शक्ति यह है, इतना बड़ा इतना सब प्रकट कर दिया और इतने वो दूरदृष्टि है उनकी, उनको पता है कि जो वनवास हुआ है उसका कारण क्या है, कि बहुत सारे दानवों को, ब्राह्मणों को, ऋषियों को और देवताओं को, सबको इसमें लाभ होने वाला है। और वो किनके शिष्य हैं? वाल्मीकि मुनि। मतलब इतने पावरफुल शिष्य हैं कि सब इतना प्रकट कर सकते हैं और दूरदृष्टि देख सकते हैं, भगवान राम का उन्होंने आतिथ्य किया है, लेकिन फिर भी अपने गुरु के सब सर्वियंट हैं, अपने गुरु के वो शरणागत हैं। तो कितने भी शक्तिशाली हो जाएं, कितनी भी सारी शक्ति आ जाएं, लेकिन मूड क्या आना चाहिए कि मैं वो गुरु के कारण, जो भी है गुरु के कारण, क्योंकि गुरु की सेवा की है इसीलिए सब हो पा रहा है। गुरु की सेवा नहीं की होती तो नहीं हो पाता, और गुरु की सेवा करने के कारण ये सब मिला है तो वो समझना है कि गुरु के कारण ही है ना। फिर आगे क्या होता है कि जो सेना है फिर आगे चलती है प्रयागराज से, बढ़ती जाती है, और भरत जी बोलते हैं, वशिष्ठ मुनि से बातचीत करते हैं कि हमारा लक्ष्य अभी नज़दीकी आ गया है ना, आप सेना को चारों दिशाओं में फैला दीजिए। और चारों दिशाओं में फैलाने के पश्चात वो पता लगा के आए कि क्या है। तो कुछ सैनिक जो होते हैं वो आते हैं, चलते चलते बोलते हैं कि मुझे, हमें दूर से कुछ धुआं दिखाई दे रहा है। धुआं दिखाई दे रहा है मतलब कुछ ना कुछ, या तो लकड़ी जला रहे होंगे या कुछ रसोई बन रही होगी, कुछ लोग रह रहे होंगे वहाँ पर, है ना, तो कुछ मनुष्य यहाँ पर होंगे, ऐसा वो सैनिक बोलते हैं। तो भरत जी, वशिष्ठ मुनि, सुमंत्र और शत्रुघ्न वो सब फास्ट चलना चालू होते हैं, अन्य को बोलते हैं कि आप धीरे धीरे आराम से आइए, हम लोग चारों चलते हैं। तो यहाँ पर अभी वो चित्रकूट की जो सीमा है उसके पास पहुँच जाते हैं। तो अभी हम यहाँ पर गणना करने का प्रयास करेंगे कि भरत जी भगवान राम से कितने दिनों के बाद मिले, वनवास के कितने दिनों के बाद मिले, है ना। तो आप, मैं घटनाएं बताऊंगा, आप कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। तो भगवान राम का राज्याभिषेक कब होने वाला था, कब होने वाला था? चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी, जब वो कितने वर्ष के थे? 25 वर्ष के, ठीक है। अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन क्या हो गया? वनवास हो गया, ठीक है। 6 दिन के बाद क्या हुआ? वनवास के 6 दिन के बाद क्या हुआ? दशरथ महाराज ने प्राण त्याग दिए, ठीक है। फिर दूध गया, कहाँ गया? गिरिवृक्ष। कितने दिन लगे? 7 दिन। भरत जी वापस आए अयोध्या, कितना दिन लगा? 8 दिन। जब वो वापस आए यहाँ पर, तो वापस आने के पश्चात फिर उन्होंने अंतिम संस्कार किया, और अंतिम संस्कार के सारे अनुष्ठानों को पूरा करते करते कितने दिन हो गए? कितने दिन लगे? 13 दिन, ठीक है। 14वें दिन क्या हुआ कि जो नेशनल असेंबली है, पूरी राज्यसभा ने उनको प्रस्ताव रखा, किस चीज़ का? राजा बनने का, ठीक है। फिर 1 से 2 दिन के बाद जब रोड पूरी तैयार हो गई, तो उन्होंने घोषणा किया कि अभी हम यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है। फिर वो रात्रि में कहाँ रुके? कहाँ? निषाद राज गो, वहाँ रुके। तो एक दिन और चला गया। फिर अगली रात्रि में कहाँ रुके? भरद्वाज मुनि के आश्रम में रुके। तो कितने दिन हो गए? 40, यस 35, 37, 40 ऐसे ही है, 40 के लगभग दिन हो गए, है ना। तो ये हमने गणना क्यों की है, ये आप सोचने का प्रयास कीजिएगा। अभी जब हम प्रश्न उत्तर करेंगे तब उसमें एक प्रश्न आएगा कि हमने गणना की ही क्यों है, इसका करने का क्या उद्देश्य।
तो भगवान राम, सीता माता, लक्ष्मण जी, जो चित्रकूट में उनका बहुत अच्छा समय जा रहा था और वहाँ सारे पशु पक्षी पेड़ बहुत प्रसन्न थे और झरने है ना, और प्रकृति पूरी तरह से प्रसन्न थी। जैसे हम रोज़ कुंती महारानी की प्रार्थना पढ़ते हैं, उसमें एक श्लोक आता है, कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं कि भगवान आपने अपना दृष्टिपात हस्तिनापुर के ऊपर किया है, इसीलिए सब कुछ अच्छा चल रहा है, सारे नदियाँ जो हैं वो खनिज दे रहे हैं है ना, और प्रकृति से सब कुछ मिल रहा है। तो ये क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपने अपना दृष्टिपात करके रखा है ना। तो अल्टीमेटली प्रकृति भी सब कुछ क्यों प्रदान करती है? क्योंकि भगवान प्रसन्न है। अगर भगवान प्रसन्न है तो प्रकृति सब प्रदान करेगी, अगर भगवान प्रसन्न नहीं है तो प्रकृति भी क्या है, सब कुछ समेट लेगी। तो भगवान राम, सीता माता, मंदाकिनी नदी वहाँ पर है और वहाँ पर एक पर्वत है, उसके नज़दीक में वहाँ पर रहते थे। फिर क्या हुआ कि दूर से ऐसे कुछ आवाज़ प्रतीत हुई कि बहुत सारे लोग चल के आ रहे हैं, है ना, बहुत सारे लोग ऐसे चलते चलते आ रहे हैं, धूल उड़ रही है ऐसे। हम देखें ऐसे अगर मतलब हजारों लोग एक किलोमीटर दूर भी खड़े हुए हैं और चल के आ रहे हैं तो क्या होगा, थोड़ा हलचल होगा या धूल उड़ेगा। तो हमारा नाम बोलते हैं कि आप पेड़ के ऊपर चढ़ कर देखिए कि क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, इतना सारा भीड़ ऐसे कहाँ से आ रहा है ना। तो लक्ष्मण जी क्या होते हैं, पेड़ पर चढ़ जाते हैं और पेड़ पर चढ़ने के बाद क्या देखते हैं कि सेना आ रही है, अयोध्या की सेना आ रही है और मुझे आप आज्ञा दीजिए, मैं ही अकेला युद्ध करूंगा किसी की जरूरत नहीं है, आप लोग बैठिए आराम से, मैं अकेला जाता हूँ तुरंत तुरंत गुस्सा आना, तुरंत है ना आवेग में आना। लेकिन किस लिए है ये? भगवान की सेवा की। जैसे जब भगवान को वनवास होता है तो जब भगवान बताने आते हैं तो लक्ष्मण जी को पता चलता है, तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि क्या आपको ये क्या वचन होता है, मैं अभी जाता हूँ युद्ध करता हूँ, अपने पिताजी को हराता हूँ और राज आपको देता हूँ, बात ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे तुरंत गुस्से में आए है ना, लेकिन क्या है, भगवान राम के लिए। हम गुस्सा होते हैं खुद के लिए, हमारी पूर्ति नहीं होती तो हम अपने लिए गुस्सा होते, लेकिन वो किसके लिए क्रोध कर रहे हैं, भगवान राम की सेवा के लिए। तो भगवान बोलते हैं कि आप नीचे आइए और गुस्से को भी नीचे कीजिए है ना, क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। और क्योंकि वहाँ पर अयोध्या के सारे वो दिख रहे थे, फ्लैग्स दिख रहे थे, झंडे दिख रहे थे, लेकिन उसमें क्या था, उन फ्लैग में दशरथ महाराज का छत्र नहीं दिख रहा था, छत्र वहाँ पर दशरथ महाराज, इसीलिए लक्ष्मण जी को क्या आया, संशय आया कि दशरथ महाराज नहीं आ रहे हैं, हो ना हो ये भरत ही सारी सेना को लेके आ रहा है हमारे साथ युद्ध करने, है ना। अगर वो वाइट छत्र होता इक्ष्वाकु वंश का तो मतलब दशरथ महाराज भी आ रहे हैं, तो फिर चिंता की बात नहीं है, है तो इस तरह से उनके मन में संशय आता है। तो एक बद्ध जीव जो है, तो हालांकि ये संशय तुरंत खत्म ही हो जाता है, लेकिन इससे हमें सीखने की ज़रूरत है कि अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं तो देख के तुरंत कंक्लूजन पर नहीं आ जाना चाहिए। अगर हमने कुछ देखा और देख के तुरंत निर्णय ले लिया, हाँ कि ऐसे ही होगा, ये तो है ना, जैसे मान लो कोई सो रहे हैं, जैसे सोते हुए देखा आलसी है तो सेवा करना नहीं चाहते, एक ये कंक्लूजन। दूसरा सोच सकते हैं, हो सकता बीमार हो सकता रात में लेट सोए हों, कई कारण हो सकते हैं, कोई सेवा में लेट आया, कोई मान लीजिए हमने पूड़ी बनाने की सेवा है माताओं की और कोई माता जी लेट आए, सेवा नहीं करना है तो बता दिया करो ना, अगर सेवा नहीं करना है तो बता दिया करो। तो क्या होता है, चीज़ हम देखते हैं और तुरंत निर्णय ले लेते हैं, हम पूछ भी सकते हैं क्या लेट हो गया, कुछ कार्य भी होगा, व्हीकल नहीं मिला, कुछ भी, बहुत सारी हजारों चीज़ हो सकती है। और जब हमको पता चला कि नहीं ये तो अपनी लापरवाही से लेट आए,
तो फिर हमने सुधारने का प्रयास करना चाहिए। तो एक बद्ध जीव की आदत होती है, किसी चीज़ को देखते हैं और तुरंत कंक्लूजन पे आ जाते हैं, इसीलिए इससे हमें बहुत बचना चाहिए। फिर हमारा नाम उनको लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि जो भरत हैं उनसे वो बहुत विवेकवान है, बहुत बुद्धिशाली है ना, और अब तुम भरत के साथ युद्ध करोगे और मान भी लिया अगर युद्ध किया तो फिर, और मुझे राज मिल गया तो ऐसे राज का क्या काम, ऐसे राज का कोई काम ही नहीं है, मुझे ऐसा राज नहीं चाहिए है ना। और भरत का मेरे प्रति कोई भी घृणा या द्वेष जैसा नहीं है, वो तो उसने सुना होगा, उसको बाद में पता चला होगा, इसीलिए वो मुझसे मिलने आए। और बोलते हैं लक्ष्मण अगर तुम्हें ही इतना राज चाहिए है तो मैं भरत को बोलता हूँ, वो तुमको राज्य दे देंगे, तुम आराम से अयोध्या में जाके राज्य करना। या इतना मान बोलते हैं कि अगर आपको इतना राज्य की इच्छा है कि वन 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 में रहना पड़ रहा है, इतने कष्ट लेना पड़ रहा है, तो आपको राज्य दे देते हैं, आप रहिए आराम से, और भरत मेरे कहने पर एक बार में राज्य दे देंगे। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि नहीं नहीं मुझसे तो मैंने ऐसा नहीं सोचा था है ना, क्योंकि मुझे दशरथ महाराज जो हैं हमारे पिता हैं उनका छत्र नहीं दिखाई दिया, इसकी वजह से मुझे लगा कि वो युद्ध करने आए है ना। और फिर भरत जी वहाँ पहुँचते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं, चित्रकूट के पास पहुँचते हैं, और फिर वशिष्ठ मुनि से बोलते हैं कि आप माताओं के साथ में अन्य सैनिकों के साथ में आइए, मैं और शत्रुघ्न हम तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। और जब वो आगे बढ़ते जाते हैं तो कुछ दूर पर उनको एक बहुत सारी कटी हुई लकड़ी दिखाई देती है, लकड़ी का जो है कट्ठा लगा हुआ है, और बहुत सारे फूल माला लटकी हुई है, टोकरी में फूल रखा हुआ है, और कुसा घास है वहाँ पर है ना, और गोबर के कंडे हैं है ना, गाय के गोबर के कंडे वहाँ पर है ना। और जब कुछ आगे बढ़ते हैं तो उनको एक रास्ता दिखाई देता है जो मंदाकिनी नदी से लेकर उस हट तक वो रास्ता बना हुआ था, उस झोपड़ी तक वो रास्ता बना हुआ था। तो विचार करते हैं कि जो लक्ष्मण जी हैं उनका कितना सौभाग्य है कि रोज़ जल ले जाते होंगे भगवान के लिए, पुष्प ले जाते होंगे है ना, कंडे बनाते होंगे, झोपड़ी बनाते होंगे, कितना उनका सौभाग्य है ना। और ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं और फिर जब नज़दीक पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि भगवान राम एक कुसा घास पर बैठे हुए हैं, और पास में है ना गोल्डन वो धनुष रखा हुआ है, बाण रखे हुए हैं, पशु पक्षी वहाँ पर ऐसे घूम रहे हैं है ना। और भगवान राम किसके कौन से वस्त्र में हैं, एक वनवास के वस्त्र में है ना। और ऐसे पृथ्वी पर लक्ष्मण जी और सीता माता वहाँ पर कुछ दूर पर बैठे हुए, और जब वो ऐसा दृश्य देखते हैं तो वो और अधिक है ना बोलते हैं, यह समसती प्रकृति भीर भवेत युक्त उपासिता वनेर मृगर उपासीना सोयम आस्ते मम आग्रजा है ना। कि जो अयोध्या की प्रजा से हमेशा घिरे होते थे, जो हमेशा मंत्रियों से घिरे होते थे, आज वो जंगली जानवरों के बीच में रह रहे हैं, आज वो एक वन में रह रहे हैं है ना। जो इतने अमूल्य आभूषण पहनते थे, इतने अमूल्य कपड़ों को धारण करते थे, आज वो मेरे कारण एक वनवास का वस्त्र पहने हुए है ना। जिन बालों में पुष्प शोभित होते थे वो बाल आज उसका है ना भार उनका जो सिर है वो भार ढो रहा है। जिस शरीर में हमेशा चंदन लगा होता था आज उस शरीर में धूल लगी हुई है, सब जगह पूरा धूल लगा हुआ है ना। मन निमित्त इदम दुखम प्राप्तो रामा सुख उचिता धिक जीवत्तम निरसमस्य मम लोक विगरहितम। कि धिक्कार है मेरे ऊपर और धिक्कार है मेरे जीवन के ऊपर कि मैंने ये मेरे कारण ऐसा ये हुआ, ये मैं इसका कारण बना हूँ। तो अपने आप को वो धिक जीवत्तम
धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मुझ पर। और वहाँ पर वो भगवान राम के चरणों में गिर जाते हैं, और शत्रुघ्न भी हैं वो भगवान राम के चरणों में वहाँ गिर जाते हैं। अब भगवान भरत जी को उठाते हैं और उठाने के पश्चात उनको गले लगा लेते हैं, और गले जब लगाते हैं तो भगवान राम और भरत जी दोनों की आंखों में अश्रु आ जाते हैं। और जितने भी वहाँ पर जानवर थे, जितने भी पेड़ थे, पशु थे, पक्षी थे, सब लोग उस दृश्य को देखकर उनके नेत्रों में भी अश्रु आने लगते हैं। और यहाँ तक ही बताया गया है कि वहाँ पर जो जहाँ पर वो खड़े थे वो पत्थर ही पिघल जाता है। जो चित्रकूट गए होंगे वहाँ परिक्रमा की होगी, तो वहाँ पर अभी भी वो स्थान है कि जहाँ भगवान राम और भरत जी आपस में मिले थे, और उससे है ना उस उप जो आध्यात्मिक प्रभाव से ऐसा हुआ कि जो पत्थर है वो ही पिघल गया, और वो भी अभी भी उसके वहाँ पर इम्प्रिंट्स हैं। और फिर भगवान राम भरत जी से बोलते हैं कि आप इतने दुर्बल हो गए हैं, आपने ऐसे क्यों वस्त्र धारण किए, आपने ऐसे क्यों जटा धारण किए, है ना, आप अपने आप को इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं, है ना। और सभी माता पिता, गुरु, हमारा राज ठीक है नहीं है। और फिर भगवान राम भरत जी को राजनीति के बारे में बताते हैं, एक राजा, एक लीडर का क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो ये अयोध्या कांड का 100वां अध्याय, उसमें पूरा राजनीति के बारे में बताया गया है कि कैसे एक राजा को अलग अलग वर्णों के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि भगवान राम ने सुग्रीव को और विभीषण को राजनीति के बारे में नहीं बताया, क्योंकि उस समय जब सुग्रीव को भी बता सकते थे, क्योंकि वो उनको भी राजा बनाया था, किष्किंधा का राजा बनाया, क्योंकि उस समय प्रयोजन था सीता माता को ढूंढना। और विभीषण को भी राजनीति के बारे में नहीं बताया, क्यों नहीं बताया, क्योंकि तुरंत अयोध्या वापस आना था, समय कम था। लेकिन भरत जी को यहाँ पर उन्होंने राजनीति के बारे में, तो जो भी इसको समझना चाहते हैं कि वास्तव में राजनीति क्या है, वास्तव में जो एक लीडर की पोजीशन है उसकी क्या स्थिति होती है, वो हम ये वाल्मीकि रामायण का 100वां अध्याय जो है अयोध्या कांड का वो पढ़ सकते हैं। और भरत जी बोलते हैं कि मैंने राज्य स्वीकार नहीं किया है, और राज्य तो आपका है, और मैं आपको यहाँ से वापस लेने आया हूँ, है ना। तो ये उनके बीच में बातचीत होती है, और आगे क्या होता है वो अपने पिता का समाचार सुनाते हैं, और किस तरह से उनके बीच में बातचीत होती है उसके बारे में फिर हम कल वर्णन करेंगे, है ना। तो और कल हम देखेंगे एक बहुत एक सुंदर पुस्तक है जिसमें से हम कुछ श्लोक ही पढ़ेंगे, भगवान की पादुकाओं के बारे में गुणगान, है ना। उसका नाम है पादुका सहस्त्र नाम, भगवान की सहस्त्र क्या सहस्त्र नाम पादुका सहस्त्रम। तो भगवान की पादुका के ऊपर 1000 श्लोक। एक महान वैष्णव आचार्य हैं जिनका नाम है वेदांत देशिका, जो भगवान के बैल, भगवान की बैल होती है जो, उसके अवतार हैं। तो उनको भगवान की पूरी सुंदरता के बारे में लिखना था, भगवान के हाथ कैसे हैं, भगवान का मुख कैसा है, भगवान का नेत्र कैसे हैं, भगवान की नाभि कैसी, भगवान के चरण कैसे हैं, भगवान की पादुकाएँ कैसी हैं। तो उन्होंने नीचे से लिखना चालू किया, और पादुकाओं से लिखना चालू किया, और पादुकाओं के ऊपर 1000 श्लोक लिख दिए। सोचिए, हम कुछ जब व्यास पूजा ऑफरिंग कभी लिखते हैं, इधर उधर से कुछ उठाते हैं, अपना कुछ लिखते हैं, या सोचने में इतना टाइम चला जाता है। पादुका के ऊपर 1000 श्लोक कैसे भगवान की, तो वो उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। तो किन्हीं कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, फिर मैं प्रश्न पूछूंगा अभी। यस, बाल ऐसा बोला कि राम भगवान इससे प्रसन्न नहीं हो,
और जब हनुमान जी ने क्रोध किया तो भगवान राम उनसे प्रसन्न तो मतलब कैसे समझ सकते थे? क्रोध किया था, लंका जलाया था। हाँ, लंका गए थे हनुमान जी सीता माता को मैसेज दिया। हाँ, लेकिन किसी स्त्री को तो ऐसे अपमान नहीं किया था ना हनुमान जी ने, ऐसे किसी के बाल पकड़े हुए ऐसा तो नहीं किया था। कैसा? हाँ, वो अधर्म तो था लेकिन ऊपरी दृष्टिकोण से देखा है तो भगवान राम तो उसको एक दैव समझ रहे थे कि ठीक है वो एक निमित्त बने इस सब चीज़ों में, वो उसके उस तरह से नहीं ले रहे थे, वो दंड की दृष्टि से ले रहे थे कि अरे मेरा अधिकार था, मुझे राज्य मिलने वाला था, छीन लिया, इसने छीना, इसको बताते हैं अभी। वो तो अपने पिता का राजधर्म को पालन करने में वो सहायक बनना चाहते। और किने कोई प्रश्न? यस, पूछ। हम लोग देखते हैं कि वाल्मीकि रामायण बहुत सारा किताब लिखते हैं, इसका भी कुछ किताब है, तो कैसे समझे कि वो अनुवाद है कि टीका है और कैसे समझे? तो जो वाल्मीकि रामायण है जैसे अपने मंदिर में है तो वाल्मीकि रामायण ही है, वो संक्षिप्त रूप में है और एक पूर्ण प्रज्ञ प्रभु ने लिखा है, वो भी संक्षिप्त वाल्मीकि रामायण है। और एक एक डिवोटी है विद्वान गौरांग प्रभु, वो पूरा रामायण को भागवतम सेट की तरह निकाल रहे हैं, मतलब काफ़ी बड़ा वॉल्यूम। तो उन्होंने एक एक श्लोक का, जैसे भागवतम है ना संस्कृत श्लोक है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग है, ट्रांसलेशन है और परपट है, ऐसा पूरा वो रामायण निकाला उन्होंने, वाल्मीकि रामायण है, तीनों सही है। डिटेल में पढ़ना है तो ये है, संक्षिप्त में पढ़ना है तो ये है, लेकिन पढ़ना है। यस, राजाओं का आखेट करना दो कारणों की वजह से होता था। एक तो वो अभ्यास, किस चीज़ का अभ्यास, कि जब बड़ा युद्ध करना पड़ेगा तो उसके लिए वो तैयार, शेर से लड़ना, चीते से लड़ना। प्रभुपाद जी जैसे दूसरे भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि अभी भी जयपुर के राजा हैं, वो जाते हैं शेर को चैलेंज करते हैं, उनको मारते हैं और जब वो वापस आते हैं तो उनका स्वागत होता है, क्योंकि वो क्षत्रिय गुण है ना, तो साहस, वीरता, निर्भयता, तो उसको डेवलप करने के लिए वो आखेट के लिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि छुप के बंदूक मार रहे हैं, जीप में बैठ के निकले और मार दिया और फिर कोर्ट केस हो गया। ये कोई निर्भयता नहीं है, कोई साहस नहीं है, तो डरपोक हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं बोला, सेवा करने के लिए पोस्ट की आवश्यकता नहीं, ये तो नहीं बोला, ये तो कोई वाक्य नहीं बोला कि सेवा करने के लिए पोस्ट की आवश्यकता नहीं। अगर सेवा करने के लिए पोस्ट मिल रही है तो फिर लेना है, पोस्ट के पीछे नहीं जाना है। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, फाउंडर आचार्य, तो पोस्ट हो गई ना फाउंडर आचार्य, क्यों बताने के लिए कि आगे चल के जितने ही फॉलोअर्स आएंगे बस प्रभुपाद जी का हमें फॉलो करना है। तो पोस्ट अपने आप में गलत नहीं होती है, पोस्ट की इच्छा रखना वो गलत होता है। अगर हमें पोस्ट दी जा रही जिससे आप सेवा करें तो अच्छा है,
और आपको अभी पोस्ट की आवश्यकता नहीं, आप ऐसे सेवा कीजिए तो भी अच्छा। तो उस तरह समझना है, उसकी इच्छा नहीं रखना चाहिए। अगर हमें गुरु के माध्यम से मिल रही है तो यह स्वीकार, उस समय नहीं बोलना अरे पोस्ट नहीं लेना, क्योंकि पोस्ट की इच्छा नहीं होना चाहिए, मैं सेवा करना है पोस्ट नहीं लेना, ऐसा नहीं, उसको अच्छे से समझना है। वो भी सेवा ही है ना, वो जिम्मेदारी है ना। राजा मतलब क्या, पोस्ट है ना, राजा तो बहुत बड़ी पोस्ट है। तो राजा क्यों बने, राजा क्यों बने हैं, क्योंकि भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसलिए व्यक्तिगत रूप से महत्वाकांक्षा नहीं होना चाहिए, ये बताएं। इसका ये है कि भगवान राम जब किसी भी सुख सुविधाओं का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो उनके जो सेवक हैं वो भी किसी सुख सुविधाओं का उपयोग नहीं करेंगे, है ना। वो भूमि पर सो रहे हैं, मैं ही भूमि पर सोऊंगा। उन्होंने जैसे वस्त्र धारण किए हैं, मैं भी ऐसे वस्त्र धारण करूँ। तो इसीलिए हमारे केस में गुरु हैं, फिर हम गुरु से पूछें हमें अनुकरण करना है या अनुसरण करना है। ऐसे अभी हमने उदाहरण के लिए, केवल समझाने के लिए, हमने प्रभुपाद लीलामत पढ़ा, हमने उसमें पढ़ा कि प्रभुपाद 10 बजे सोते थे, 1 बजे उठते थे और बुक्स लिखते थे और पूरे दिन विश्राम नहीं करते थे। तो हमने भी ऐसा करना चालू किया। मैं तो 1 बजे नहीं, मैं 12 बजे उठ जाऊँगा। और 2 घंटे हमने रोज़ उठे और 3rd-4th दिन 12 घंटे सो गए। तो इसीलिए हमारे लिए गुरु हैं, हमें अनुकरण करना है या अनुसरण करना है। लेकिन महान भक्त भगवान के साथ इतना ज़्यादा उनका फ्रिक्वेंसी होता है कि वो समझ जाते हैं कि भगवान उनसे क्या चाहते हैं, इस तरह। तो इसलिए नकल नहीं करना है, हमारे लिए गुरु हैं जो बताएंगे कि हमें क्या करना है। जैसे एक इसी संबंध होता है, जैसे मान लीजिए गुरु महाराज तो बहुत कम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, सुबह ये ले रहे हैं, दोपहर में ये ले रहे हैं, संध्या में ये ले रहे हैं, तो हमको उनको पता चला कि गुरु महाराज ये लेते हैं तो हम भी ये लेंगे, अब हम और कम लेंगे। फिर हमको बताएगा कि आपको सेवा करना है, बाहर जाना है, हरिनाम संकीर्तन। प्रभु जी बहुत वीकनेस लग रही है, तो उनको बोला कि प्रसाद ले लीजिए आप, चलिए। नहीं, मैं तो इतना ही लेता हूँ, मैं तो क्योंकि गुरु महाराज इतना लेते हैं, मैं उससे कम लेता हूँ क्योंकि मैं उनका सेवक। तो उसको बोलते हैं नियम आग्रह, नियम को नहीं समझना। नियम के एक होता है नियम का शब्द और एक होती है नियम के पीछे भावना, स्पिरिट। तो क्या होता है, नियम तो हम समझ जाते हैं लेकिन नियम के पीछे स्पिरिट क्या है, भावना क्या है, वो डिलीट हो जाती है। तो फिर हम ऐसे वो करना चालू करते हैं, प्रभु जी वृंदावन गए थे वहाँ तो सब निर्जला रखते हैं, तो मैं भी सोच रहा हूँ निर्जला ही रखा करूँ, हर एकादशी निर्जला। और द्वादशी के क्या है पूरा इतना और 12 घंटे सो रहे हैं, लगते ही निर्जला है लेकिन। तो ये नियम आग्रह है, सब नकल हो गया है। और कोई प्रश्न, लास्ट प्रश्न उनको पीछे। हरे कृष्ण। हरे, जैसा कि लोगों से विचार करता है कि इसको जैसे प्रश्न इसी लेक्चर से संबंधित होना चाहिए एक तो। हाँ, जैसे दशरथ महाराज जी ने आपको मालूम था कि राम जी को वन जाने से प्रॉब्लम हुई, तो ऐसा क्यों करा कि उन्होंने उनको अगर दे रहे था वनवास नहीं दे तो भी भगवान को प्रॉब्लम हुआ, तो भगवान को प्रॉब्लम हुआ तो भगवान की सेवा करने के लिए या फिर भगवान किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, ऐसे अपने जो राजसिक धर्म है उसका त्याग कर देते कि मैं नहीं लूंगा ऐसा, तो ऐसा भी तो कर सकते थे, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया।
तो प्रॉब्लम यह है कि आपने कल का लेक्चर नहीं सुना, यह है प्रॉब्लम। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो यही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो कल का लेक्चर सुनिएगा कैसा क्यों होगा, आप सुनिएगा, रिकॉर्डिंग है, उसमें कल यही चर्चा किया था। रामायण अलग अलग स्तर पर है, वो तीन स्तर मैंने बताए थे, आप सुनिएगा। ओके, तो अभी प्रश्नोत्तरी, आप हैंड रेज कीजिएगा और फिर उत्तर दीजिएगा। अयोध्या में भरत जी के 5 टेस्ट हुए, वो 5 टेस्ट क्या है? एक और बाहर से बताए, 5 टेस्ट क्या हुए उनके? कोई बताए? हाँ बताइए भीम प्रभु, माइक। सबसे पहला क्रम से बताइए। हाँ नहीं, 5 और क्रम से, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। इनको बोलिए ऋचु सेन प्रभु। तो वो क्या टेस्ट था, वो क्या? वो सोचते कि मैं जब बताऊं तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं, वो क्या उस प्रलोभन, प्रलोभन मिला ना उनको, रखा रखा राज्य मिल गया, पहला टेस्ट। दूसरा टेस्ट कौशल्या माता जी के पक्ष में जाते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, क्या करा, क्या करते हैं? बोलते हैं जो इच्छा पूरी। आंसर एग्जैक्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, आरोप लगाते हैं ना उनके ऊपर। तो दूसरा टेस्ट क्या है? आरोप। फिर तीसरा आपका टेस्ट हो गया। तीसरा भीम प्रभु बताइए तीसरे से। मंत्रीगण बोलते हैं उनको राज्य लेने के लिए। चौथा अरे यस पवन प्रभु जी। हाँ एक जो चारण और भाट होते हैं, रॉयल फैसिलिटी देना चाहते, हाँ तो उसको मना करते हैं, उस संगीत को सुनने से इनकार। और पांचवा, पांचवा बताइए। यस, लेकिन करेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन है, कैसे श्रमिक वर्ग शूद्र भी सेवा करके उनको पूर्णता मिल सकती है? श्रमिक जो वर्ग है उनको सेवा करते हुए परफेक्शन मिल सकता है? उत्तर हाँ विष्णु प्रसाद जी। एक एक माइक। भगवान के जो भक्त होते हैं उनके भी सेवा करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो कैसे उन्होंने सेवा किया भक्तों का? रास्ता बनाए। किन की आज्ञा से? भरत जी। ओके सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, छठा टेस्ट क्या था? छठा टेस्ट पीछे माता जी के दे दीजिए। संदेह करना, यस, संदेह किया गया उनके ऊपर, छठा टेस्ट। अगला प्रूफ बताइए कि सीता माता ने वनवास के समय भी आभूषण और राजसी वस्त्र धारण किए थे, इसका क्या प्रूफ है? उनको तेजी पीछे वो साधना माता जी। जी, वहाँ पे आभूषण के कुछ टुकड़े वहाँ पर थे। ओके
फिर है अगला, तो जो गु है उन्होंने भगवान राम की सेवा किया था और गु ने भरत जी की वह सेवा किया था, तो दोनों में क्या डिफरेंस था? हालांकि आज की चर्चा में नहीं आए, लेकिन फिर भी गु ने भगवान राम की भी सेवा किया था और जब भरत जी आए थे उनकी भी सेवा किया, दोनों में क्या अंतर? माखन चोर अगर जिन्होंने रामायण पढ़ा हो तो हाँ वो नैतिक स्तर पे उन्होंने उनकी सेवा करी, जैसे कोई गेस्ट आता है तो उसकी सेवा करते हैं जैसे, और जो भरत महाराज थे वो उनके भक्त थे। नहीं, नैतिक स्तर पे किनका सेवा किया? भरत जी का सेवा किया निषाद राज गुहू ने, और भगवान राम का भगवान ही है तो फिर नहीं, भक्त के रूप में सेवा किया भरत जी का भी। दोनों में, दोनों सेवा में क्या डिफरेंस? एक भगवान की तरह किया, एक भक्त की तरह किया, ठीक है ये एक डिफरेंस है, और कुछ? जी बताइए। तो भरत जी के सेवा करने के पहले उनके मन में शंका रहा कि राम जी के शत्रु हो सकते हैं, ठीक है, संदेह रहा, संदेह, हाँ ठीक है। और कोई आंसर? सेवक की सेवा की, भगवान की सेवक की सेवा की, जी। और कोई आंसर? आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, पीछे माता जी ने हैंड रेज किया। तो दोनों का सेवा किया, ठीक राम के सर, तो जोर से बोलते हैं। उनका सहायता किया, भरत जी की सहायता किया, और जी राजा की तरह सेवा किया, और पीछे माता जी ने ठीक है, इस आंसर ठीक है। मुख्य आंसर यह है कि भगवान राम ने उनको वहीं रोक दिया, आप यहीं रहो, लेकिन गुह भरत जी के साथ में चित्रकूट गए, भगवान ने बोला कि आप आगे मत आइए, यहीं रुकिए, यहीं से आप राज्य देखिए, लेकिन वो निषाद राज गुह भरत जी के साथ खुद चित्रकूट तक गए, ये एक मुख्य अंतर है, ठीक है। भरद्वाज मुनि ने दो कौन से टेस्ट किए भरत जी के? भरद्वाज मुनि ने दो टेस्ट किए जिन्होंने उत्तर नहीं दिया अभी तक, हाँ इनको दीजिए निश्चल। तो पहले ऐसे करा कि इनको बहुत बड़ा महल दे दिया था, और नहीं पहला उठा, तो पहला ये टेस्ट था कि उनको आरोप लगाया गया था, ठीक, और दूसरा टेस्ट था कि उसमें उनको बहुत बड़ा महल दिया था, उससे काम ठीक, ओके ओके ये प्रूफ कीजिए कि भरद्वाज मुनि को भगवान के मिशन के बारे में पता था, उसके लिए वो क्या बोलते हैं? भरद्वाज मुनि जानते थे कि भगवान का सब हितकारी होने वाला, आप चिंता मत करो, उसके लिए उन्हें क्या बोला? प्राण कृष्ण प्रभु, यस दानव ऋषि ब्राह्मण सब लोग के लिए हितकारी होने वाला है। ये जानना जरूरी क्यों है कि भरत जी 40 दिन के बाद चित्रकूट पहुँचे? ऐसा कैलकुलेशन करने की क्या आवश्यकता पड़ी? ये हमने गणना क्यों की है? वाल्मीकि रामायण में ऐसी गणना नहीं, हमने बस गणना की है, क्या समझने के लिए गणना की है?
हाँ बताइए। भगवान की सेवा करते हैं ना, भगवान की प्राप्ति के लिए समय लगता है, तत्काल सेवा के फल भगवान मिल जाएंगे। भगवान की प्राप्ति के लिए समय लगता है, ऐसा नहीं कि आज सेवा किया भगवान मिल जाएंगे, इसलिए गणना किया। 40 दिन ऐसे गणना, वैसे ही बोल देते 1 महीने लगा लगभग, स्पेकुलेट इतना अधिक भी स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए। हाँ बताइए, वहीं से जोर से बोल दी। इंस्टेंसेस याद रहे, स्मरण रहे, ठीक है, एक आंसर बोल सकते। एक्चुअली इसका आंसर ये है, हम बता रहे हैं एक गणना क्यों किया है, क्योंकि आगे चल के भगवान राम शबरी से मिलते हैं और शबरी उनके गुरु हैं, बोलते हैं कि 13 वर्ष के पश्चात आप 13 वर्ष तक यहाँ प्रतीक्षा कीजिए और 13 वर्ष के पश्चात भगवान आपसे मिलने आएंगे और उसके पश्चात आप हमारे पास में आ जाइएगा। तो इसीलिए हमने ये कैलकुलेट किया है कि भगवान को कितना समय लगा शबरी उनके आश्रम में पहुँचने में। ओके, जब भरत जी ने पहली बार भगवान राम को देखा तो क्या रिएक्शन था, क्या प्रतिक्रिया थी? जब पहली बार भरत जी ने भगवान राम को देखा, उनकी कुटिया को देखा, तो सबसे पहली रिएक्शन क्या था उनका? नितेश जी वो भरत जी को भागीरथ जी भगवान की सेवा। नहीं, भरत जी ने जब पहली बार देखा भगवान राम को अपनी कुटिया में, तो उनको क्या विचार आए? एक 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 अपने आप को कोसा पहले, और अपने आप को कोसा और भरत जी को लक्ष्मण जी को भगवान की सेवा में लगे हुए। हाँ, भाग्यशाली समझा लक्ष्मण जी को, और दुखी हुए, स्पेसिफिक बताइए। यस, पहले राजसी वस्त्र होते थे, अभी क्या है? वनवास के वस्त्र। पहले चंदन होता था, अब क्या है? धूल है। पहले अयोध्या के महल होते थे, अब सब जंगली जानवर घिरे हुए हैं, है ना? तो इस तरह से ओके, तो यहाँ पर हमारा समाप्त हुआ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान श्री रामचंद्र की जय। श्री वाल्मीकि रामायण की जय।